विकासखंड नादौन की जोलसपड़ पंचायत के अंतर्गत एक निर्माण कार्य में धांधली का आरोप लगाते हुए जो वीडियो वायरल हुआ है, उसे लेकर पंचायत प्रधान की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में पंचायत प्रधान सोमा देवी ने नादौन थाना में शिकायत पत्र दिया था। सोमा देवी ने वीडियो वायरल करने वाले, वीडियो बनाने वाले और उसके अन्य सहयोगियों को कटघरे में खड़ा किया है। प्रधान का कहना है कि उन लोगों ने गत शनिवार को पंचायत का रिकॉर्ड देखने व रविवार को छुट्टी के दिन पंचायत सचिव को पंचायत घर में बुलाने का प्रयास तक किया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में विभाग द्वारा जांच की जा रही है और जांच रिपोर्ट आने से पूर्व ही वीडियो में कई तरह के आरोप लगाकर पंचायत व जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने का षड्यंत्र किया है। सोमा देवी ने कहा कि जब विभाग की जांच टीम ने मौके पर शिकायतकर्ताओं को बयान देने के लिए बुलाया तो कोई नहीं आया। गौर रहे कि पंचायत में बन रहे शमशान घाट को लेकर कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि निर्माण कार्य करवाने में धांधली की गई है। शिकायत के आधार पर वीडियो नादौन के आदेश पर विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रिकॉर्ड की जांच की व मौके का निरीक्षण किया था। इस संबंध में पंचायत सचिव संदीपिका शर्मा ने बताया कि पूरी रिपोर्ट जांच टीम को सौंप दी गई है। वार्ड पंच बीना देवी ने कहा कि कुछ लोगों ने मौके पर पहुंचकर वीडियो बनाया और उन्हें परेशान किया गया। वार्ड पंच पवना देवी ने बताया कि कुछ पक्षों की आपसी खींचतान के कारण पंचायत को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों उसके पति को भी बुरी तरह पीटा गया था। प्रधान सोमा देवी ने कहा कि आरोप झूठे निकले तो संबंधित लोगों पर मानहानि का दावा किया जाएगा। जबकि खंड विकास अधिकारी पारस अग्रवाल ने कहा कि मामले की जांच शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी और कोई दोषी पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी प्रवीण राणा ने बताया कि पंचायत प्रधान की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। अब इस संबंध में आगे जांच की जा रही है। ये मामला है कि जो कि पंचायत के विरोध में जो वीडियो वायरल हुई है ना, इसके बारे में, क्योंकि इन्होंने आरोप लगाया मेरे पे, पर आरोप अभी तक कोई सिद्ध नहीं हुआ है। उसकी कार्रवाई चली हुई है, प्रशासन उसकी पुष्टि कर रहा है, पर इन्होंने मेरे खिलाफ जो भी वीडियो वायरल की हुई है, अगर ये सच पाया गया आरोप, तो इसकी भरपाई खुद करेंगे। और अगर ये आरोप जो है झूठा लगाया गया मेरे ऊपर, तो इसके ऊपर मैं जो जो आदमी जो जो मेरे सामने आए और जो जो जिन्होंने मेरे ऊपर ये लांछन लगाया, तो उनके ऊपर मैं मानहानि का दावा जरूर करूंगी। और इसके ऊपर जो जिन्होंने वीडियो वायरल किया हुआ है, उनकी मैंने FIR दर्ज करवाई हुई है और उनके ऊपर प्रशासन जो है वो कार्रवाई कर रहा है और उनको वो उनकी जांच चली हुई है। जो भी आरोपी उनके इसमें कटघरे में खड़ा होगा, उनको हम कभी भी नहीं बख्शेंगे। और जो आरोप इन लोगों ने लगाए हुए मेरे ऊपर कि मोक्ष धाम का जो भी इन्होंने पैसा निकाल कर खा लिया है, तो जनाब से मेरी यही बेनती है कि उस वो पैसा किसी ने खाया नहीं है, मगर उस पैसे को जो उनके बिल वोचर जो है बुक होते हैं 2-3 महीने वो बाद पैसा आता है, इसलिए हमें वो बिल जो है वो बुक करने पड़ते हैं। और वो बुक हुए हैं सीमेंट के हैं, 120-120 बैग सीमेंट के हैं, सरिया है और वो टीन है, इनके जो बिल हैं वो बुक किए गए हैं, इनसे किसी ने कोई भी पैसा नहीं खाया है। और इसकी जांच चल रही है, अधिकारी इसकी जांच ठीक तरीके से कर रहे हैं।